उन्होंने मुगलों के लिए क्या सेवाएं दी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक जो उनकी डायरेक्ट जो उनकी मासीद है जो जनता है उनके प्रति उनका क्या व्यवहार था, क्या लगाव था और किस तरह के उन्होंने सुधार कार्य किए। तो मेरी मान्यता यह है कि मैंने जितना इनके बारे में जाना है उसमें वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो जितने बड़े लड़ाकू थे उतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट भी थे, क्योंकि व्यूह रचना के बिना कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, चाहे कोई भी युग रहा हो, कोई भी हथियार रहे हों। तो उनके जमाने में तो गोला बारूद का तो न्यूनतम ही प्रयोग था, ज्यादातर तो खाने का या दूसरे जो हाथ के हथियार उन्हीं का ही काम था, और उस समय भी स्ट्रेटजी के बिना आप नहीं जीत सकते। तो जो उनकी व्यूह रचना थी आप देखें कि वो जबरदस्त स्ट्रेटजिस्ट थे, तो उनकी स्ट्रेटजी, तो उनसे हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं। सबसे तो बड़ी शिक्षा तो ये लेंगे हम कि एक तो वो ऐसे शासक थे जिनके काल में कभी कोई भ्रष्ट आचरण वाली जैसी बात, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। वैसे तो आप देखें अगर चाणक्य को अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उस समय वो कहेंगे कि प्रशासन में क्या क्या विसंगतियां पैदा हो सकती हैं और प्रशासक कहाँ कहाँ बेईमान हो सकता है और उसकी बेईमानी को भ्रष्टाचार को कैसे चेक किया जाए, ये खूब विस्तार से मिलता है। तो ऐसा नहीं कि प्राचीन काल से चला आ रहा है भ्रष्टाचार, किंतु जब भ्रष्टाचार का जब बोलबाला हो जाता है, जब बीमारी बहुत ऊपर बढ़ जाती है तो उसका इलाज जरूरी होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि खास तौर पर जो राजनेता हैं, जो राजनीति में भाग लेते हैं, जल्दी जरूर नहीं कि वे पदाधिकारी हों, अनेक लोग हैं जो अनेक पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, जिला लेवल के पदाधिकारी भी हैं, तो वो एक शिक्षा लेंगे भाई जो प्रजातंत्र है हमारा, लेकिन राजतंत्र शासन पद्धति में ऐसा नहीं है कि दोषी दोष थे, उसमें भी गुण थे। वो एक समय बदला पूरी दुनिया में जब एक नई शासन पद्धति प्रजातंत्र के रूप में आई और उस प्रजातंत्र दोनों तरीकों से आया, खून खराबे से भी आया, क्रांति से भी आया और शांतिपूर्ण तरीकों से भी आया, दोनों तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। तो आप ये देखिए उस राजतंत्र से क्या आज हमें कुछ सीख नहीं ले सकते, आज भी हम सीख ले सकते हैं। अगर हिस्ट्री की अप्लाइड वैल्यू नहीं है तो हिस्ट्री केवल एक अपने मन को बहलाने का विषय हो जाएगा, जबकि इतिहास मन को बहलाने का विषय नहीं है, इतिहास शिक्षा लेने का और शिक्षा देने का विषय है। क्योंकि इस दुनिया में हम देखें तीन विषय बेसिक होते हैं सीखने के लिए, एक तो होता है